Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing great. So today's video is going to be on an Amazon haul and Amazon पे कुछ discount चल रहा है on winter wears. In case you missed my last Amazon haul, मैंने winter wears share किया था इनकी जो मैंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर का स्वेटशर्ट पहन रखा है उसी हॉल में मैंने दिखाया था. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. आज का जो हॉल है इट्स गोना बी अ मिक्स हॉल. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू शेयर विद यू ऑल. ऑल ऑफ द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल ऑल ऑफ द कुर्ताज दैट आई गॉट. सो द फर्स्ट कुर्ता दैट आई गॉट इज बाई ऑरेलिया एंड ये जो कुर्ता है मुझे देखते ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कुर्ता. ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल वेयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इट इज़ अ वुलन कुर्ता. ठंडी के सीजन में ऑब्वियसली आप इसे पहन सकते हैं. यू कैन वेयर इट टू ऑफिस, कॉलेज, इफ़ यू गोइंग आउट ऑन कॉफ़ी. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर से टेक्सचर का है. नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ लाइक वाइट एंड काइंड ऑफ मरूनिश पिंक कलर है इसका. एंड इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा कोजी है. अमेजोन पर अगर आप वुलन कुर्ता सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेराइटी में वुलन कुर्ताज मिल जाएंगे एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलेगा. आई ट्राई टू लिंक सम ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये कुछ इस टाइप से फुल स्लीव में है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज मैंने बहुत सारे वुलन कुर्ता जिससे पहले ऑर्डर भी किया है काफ़ी डिफरेंट जगहों से, बट उनका वुल का जो टेक्स्चर होता है वो शायद अच्छा नहीं होता है एंड काफ़ी थिक होता है तो इट गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल. बट दिस इज़ एब्सोल्यूटली सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा थिन एंड इट ऑल्सो कीप्स यू वॉर्म फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम. सो इसके साथ आप ऑब्वियसली जीन्स भी पहन सकते हैं एंड नॉर्मल जैसे सिगरेट पैंट्स या प्लाजोज भी पहन सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट आई गॉट इन द साइज स्मॉल एंड इस टाइप के ऑरेलिया में आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट आई गॉट दिस कुर्ता जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द प्रिंट. दिस इज़ हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक. कॉल इट अ कुर्ता और अ ट्यूनिक बट दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल वेयर के हिसाब से भी आप पहन सकते हैं. आई गॉट दिस वन इन द साइज स्मॉल. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ग्रीन कलर का प्रिंटेड कुर्ता है एंड इस पर जो ब्राउन का कॉम्बिनेशन दे रखा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इट हैज़ दीज टैसल्स एज वेल. कोई स्लिट या कट नहीं दे रखा है इसमें एंड कलर कॉम्बिनेशन जिसका काफ़ी ज़्यादा सोबर लग रहा है, काफ़ी कैजुअल वेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट इज़ कॉटन एंड इट्स एब्सोल्यूटली ब्रीदेबल एंड कम्फर्टेबल. पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. So this is what I got next. उसके बाद आई गॉट दिस कुर्ता दैट इज़ अगेन अप्रोप्रिएट फॉर कैजुअल वेयर, ऑफिस वेयर और कॉलेज वेयर एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ देयर न्यू कलेक्शंस ऑन अमेजोन. सो दिस इज़ वॉट आई गॉट. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी ब्लू कलर कुर्ता. काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी सोबर सा है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि ब्राउन का कॉम्बिनेशन दे रखा है वाइट के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है. इसके साथ आप वाइट कलर के लेगिंग्स तो पहन सकते हो बट ब्राउन कलर के लेगिंग्स इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे. इट्स गोना लुक रियली नाइस. आप इसे ऑब्वियसली चुन्नी के साथ भी पहन सकते हैं. इट्स गोना लुक लाइक अ रियली नाइस पीस लाइक नो सूट. वन मोर थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस कि इसकी फिटिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एकदम ही प्रॉपर फिटिंग में आता है एंड बिकॉज इट्स लाइक काइंड ऑफ शॉर्ट स्लीव्स ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दिस इज़ वॉट आई गॉट. लॉन्ग कुर्ता है ये, पूरा का पूरा प्रिंटेड है एंड आई गॉट दिस वन इन द साइज स्मॉल. आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक दिस पीस. इसमें शायद एक कलर भी अवेलेबल था बट ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. Next I got this one and I got this one obviously because of the color and the print. ये येलो कलर का है एंड येलो के साथ जो वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है. सो दिस इज़ वॉट आई गॉट. एंड ये जो है ना मैंने एक्चुअली इसमें लिया था साइज स्मॉल बट ये गलती से मतलब आई थिंक दिस इज़ लार्ज साइज़. इस पर 40 लिखा हुआ है. सो ये जो साइज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा आया. दिस इज़ बाय द ब्रांड पिस्ता. नाउ पिस्ता से ना मैंने और भी ऑर्डर्स प्लेस किए थे इससे पहले. उनका स्मॉल साइज़ कभी भी मुझे नॉर्मली फिट नहीं होता. आई ऑलवेज हैव टू गो अ साइज अप. तो मैं स्मॉल पहनती हूँ तो मैं मीडियम लेती हूँ बट ये लार्ज आ गया. सो आई डोंट नो वेदर इट्स विद जस्ट माई बॉडी टाइप बट एक बार आप डेफिनेटली चेक कर लेना उनका साइज चार्ट. सो दिस इज वॉट आई गॉट जो कि मुझे एक्सचेंज डेफिनेटली करना पड़ेगा. नेवर द लेस इसका जो प्रिंट है आई विल शो यू अ क्लोज अप ऑफ द प्रिंट. इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इट लुक्स एब्सोल्यूटली प्रीमियम. सो दिस इज वॉट आई गॉट. एंड अगेन ये कॉटन फैब्रिक का है. इट्स अ प्रिटी प्रिटी ब्रीदेबल फैब्रिक एंड इसका जो नेकलाइन है ये मैंडरिन में है, प्रिटी डिसेंट एज वेल. सो ये मैंने लिया. एंड नेक्स्ट मैंने लिया है दो बॉटम वेयर.
बीच में मैं कुर्ताज पहनने गई, कुछ कुर्ताज मैंने ऑर्डर किया था एंड आई सॉ दैट आई डू नॉट हैव लाइक प्रॉपर बॉटम वेयर टू वेयर विद देम. सो फर्स्टली आई ऑर्डर दिस वन. दिस इज़ काइंड ऑफ इन वाइट. ये लाइक्रा में दे रखा था, मतलब जो फैब्रिक है वो लाइक्रा में दे रखा था एंड आई गॉट दिस वन इन द साइज स्मॉल. एंड ओ माई गॉड, इसका जो फिटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. दीज आर लाइक पैंट्स एंड आप देख सकते हैं इसमें पॉकेट भी दे रखा है. दीज लाइक ट्राउजर्स, लाइक प्रॉपर ट्राउजर्स, बट ये स्ट्रेच है. एंड इसके साथ साथ आप देखोगे नीचे तो ये एंकल लेंथ का है. इट्स अ रियली नाइस फैब्रिक. सो इसका जो मटेरियल है ये लाइक्रा का मटेरियल है एंड ऑब्वियसली दिस इज काइंड ऑफ प्रॉपर वाइट कलर. तो मैंने एक ही वाइट में ऑर्डर किया है एंड आई बिलीव इसमें कलर्स अवेलेबल थे. एंड द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट इज इन ऑफ वाइट. ये काइंड ऑफ खादी कॉटन टाइप का है. आई लाइक रियलाइज कि मेरे पास वाइट कलर के बॉटम वेयर्स तो है फ्रॉम ऑल ऑफ द कुर्ता सेट्स दैट आई हैव, बट ऐसा कुछ नहीं था जिसकी फिटिंग मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी. सो I ordered this one and then next I ordered this because मेरे पास ऑफ वाइट कलर का, इट्स हार्ड टू बिलीव बट ऑफ वाइट कलर का मेरे पास कुछ था ही नहीं पहनने के लिए. सो आई गॉट दिस वन एंड आई रियली लाइक द फिटिंग. इसका ना लिखा हुआ है कि ये स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल एंड स्मॉल साइज को फिट हो जाएगा एंड इसके ऊपर एक आता है जो मीडियम एंड लार्ज को फिट होगा. सो इन केस यू आर अ साइज 28 वेस्ट, आप ये स्मॉल वाला ले सकते हैं क्योंकि इसका जो पीछे का पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड थाई पोर्शन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो रहा है. सो आई रियली लाइक दिस एंड इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट. नेक्स्ट आई गॉट टू ब्लाउजेज. सो आजकल मैं एवरी सिंगल डे ही बाहर जाती हूँ तो आई टेंड टू वेयर अ लॉट ऑफ साड़ीज एज वेल. सो मेरे पास इस टाइप का ब्लाउज अमेजोन से मैंने से पहले लिया है जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे रील्स पर पूछा था कि मैंने ब्लाउज कहाँ से लिया. मरून कलर का ब्लाउज है. सो आई गॉट दिस वन ऑल्सो एंड ये जो है प्रॉपर वेलवेट का ब्लाउज है ब्लैक कलर में. इसमें मरून कलर भी अवेलेबल है. इसमें आपको आपका साइज मिल जाएगा. तो मेरा साइज 34 है. सो आई गॉट दिस वन एंड इसमें पैड्स जो दे रखे हैं काफ़ी कंफर्टेबल है. जनरली डू नॉट लाइक पैडेड ब्लाउजेज, जो ऐसे पैड्स के साथ आते हैं काफ़ी चीप लगता है, बट एनी विच वेज ये काफ़ी कंफर्टेबल है. सो ये मैंने लिया है एंड ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट दिस अगर आपके पास साड़ी भी नहीं है इसके साथ पहनने के लिए, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड And you all to get this, क्योंकि आपके पास कभी ना कभी कोई साड़ी मिल जाएगा इसके साथ पहनने के लिए. पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये. आई गॉट दिस वन इन द साइज 34 एंड नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्लाउज जो कि अगेन मेरे पास इस ब्लाउज पे पहनने के लिए बिल्कुल साड़ी बिल्कुल भी नहीं है, बट एनी विच वेज आई फेल इन लव विद द ब्लाउज. इसका जो नेक है आप देख सकते हैं इट्स वी शेप्ड. नेक काफ़ी ज़्यादा डीप है, बट अगर आप कोई ऐसा साड़ी पहनोगे जो ट्रांसपेरेंट ना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. यू कैन पिन इट हियर एंड हियर. इसमें पैड्स आते हैं बट इसके जो पैड्स है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पैड्स है. ये ब्लाउज जो है बहुत एक्सपेंसिव था. आई थिंक ये 1600 या 1700 रुपीज़ का ब्लाउज ही था. इसके ऊपर मेरे पास साड़ी है नहीं पहनने के लिए, बट आई थिंक कोई भी यू नो इसमें कोई भी कलर का साड़ी मैच हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली मल्टी कलर, तो कोई भी पेस्टल कलर इसमें अच्छा लग जाएगा. बैक भी इसका सेम इसी टाइप का है एंड इसमें लटकन भी दे रखे हैं. मुझे लटकन वाले ब्लाउजेज अच्छे नहीं लगते, बट इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. So I got this one and I really like this one. Hopefully I'll be wearing this soon. So ये मैंने लिया है एंड नेक्स्ट मैंने दो ब्रोचेस लिए हैं बिकॉज आजकल साड़ीज पहनने लगी हूँ तो साड़ी के साथ नॉर्मल पिन हार्डली मैं पहनती हूँ. मैं ब्रोचेस ही पहनना पसंद करती हूँ एंड ऑल्सो कुर्ताज के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर इट लाइक विथ स्वेट शर्ट इसके साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रोच दैट आई गॉट एंड ये जो है आप देख सकते कि This is in golden color. इसका golden color काफी ज़्यादा अच्छा है. Here's how I styled this song in Curtis set. And the last one that I got is this one. Now I could not find the particular link of this. पता नहीं वो open नहीं हो रहा है because I had ordered it from another account. This is by Yubella. एंड दिस इज आई थिंक दिस इज अ पैरेट. ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा लगा. इस टाइप का ब्रोच है एंड ऑब्वियसली इसे भी आप कोई भी स्वेट शर्ट एंड ऑल के साथ पहन सकते हैं बिकॉज इट्स विंटर सीजन, तो आप स्वेट शर्ट्स के साथ ईजिली पहन सकते हैं. एंड इसमें ना और भी बहुत सारे बर्ड वाले ब्रोचेस थे. आई विल लीव अ लिंक ऑफ दोज 3 or 4 यू नो ब्रोचेस जो मुझे मिले. काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड ब्रोचेस आर समथिंग दैट यू कैन ऑब्वियसली गिफ्ट पीपल एज वेल. अगर आप किसी मेल मेम्बर को भी गिफ्ट करना चाहते हैं या
मेल बेस्ट फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को आप गिफ्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं. एंड फीमेल्स विल ऑल्सो लव ब्रोचेस बिकॉज दे आर समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली वर्सेटाइल, किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते. सो दिस इज द लास्ट पीस दैट आई गॉट. उसके बाद आई गॉट दिस लोशन. दिस इज बाय डॉक्टर शेट्स एंड दिस इज देयर सेरामाइड एंड विटामिन सी बॉडी लोशन. इसका लोशन मेरे पास ऑलरेडी है जो कि इतना बचा हुआ था, तो इसीलिए आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग दिस वन. आई हैव दिस वन इन माई बाथरूम एंड ये मैंने एक और बैकअप लिया है, आज ही आया है ये, इसीलिए ये ओपन नहीं है. बट ये बिल्कुल मतलब एकदम ही नॉन ग्रीसी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. इट डज नॉट हैव लाइक अ फ्रेग्रेंस टू इट, मतलब आई थिंक एडेड फ्रेग्रेंस इसमें है नहीं, बट इट कीप्स योर बॉडी, इट क्लेम्स टू कीप योर बॉडी मॉइस्चराइज्ड फॉर 2 days, दैट इज 48 hours. एंड आपका जो स्किन है अगर इतना ज़्यादा ड्राई नहीं है तो डेफिनेटली दिस विल कीप योर स्किन हाइड्रेटेड फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम. फॉर मी इट वर्क्स रियली वेल, तो इसीलिए मैंने सेकेंड वाला ऑर्डर किया. मैं सुबह और शाम से लगाती हूँ. आई ऑलवेज आई हैव इट इन माई सैलॉन ऑल्सो एंड आई यूज इट लाइक अ हैंड क्रीम. काफ़ी अच्छा है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन ग्रीसी, सो आई गॉट दिस वन. एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज दिस वन. दिस इज अ फ्रूट एक्सफोलिएटिंग स्क्रब. दिस इज क्वाइट अ बिग बॉटल एज यू कैन सी, इट्स अ बिग टब. ये 1 kg का है एंड मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है. नो मैटर वॉट आई अप्लाई मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ड्राई स्किन आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड ऑर्डर अ बिग स्क्रब एंड इट्स द सेम विथ माई फैमिली एज वेल. सो ये जो स्क्रब है आप देख सकते हैं, इट्स अ फ्रूट स्क्रब. इसके रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड इट स्मेल्स रियली गुड. इसके जो ग्रैन्यूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे वाले ग्रैन्यूल्स है. हियर यू कैन सी, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है. एंड इसका जो क्रीम फॉर्मुलेशन है, दिस इज़ मोर लाइक अ नॉर्मल लाइक बॉडी लोशन. एंड इसके जो स्क्रब्स है, आई थिंक दिस इज़ लाइक वॉलनट स्क्रब, नेचुरल वॉलनट स्क्रब, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. प्लस इट इज़ एब्सोल्युटली इनएक्सपेंसिव. आई थिंक ये 400 rupees का था, 8 kg का, एंड इसमें रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो आई गॉट इट फॉर माई बॉडी. सो या यू कैन डेफिनेटली बाय दिस. इसमें चॉकलेट वेरियंट भी था और 2-3 और वेरियंट्स थे, बट आई वेंट फॉर फ्रूट. सो दिस इज़ वॉट आई गॉट एंड दैट कम्प्लीट्स माई हॉल. डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये हॉल वीडियो कैसे लगा. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एज ऑलवेज दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग.